हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हो गई है करवा चौथ की तैयारियाँ शुरू, और मैंने शुरू कर दी है मेहंदी लगवाना। ये मेहंदी लग रही है और ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। वक्त आने पर मैं बताऊँगी किसने लगाई ये मेहंदी और कितनी सुंदर मेहंदी लगा रही है। देखो कितनी बारीकी से काम करा है। और ये हाथ की मेरी मेहंदी लग चुकी थी और सूख भी गई थी। दूसरे हाथ की मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगवाई है, अभी वो सूख रही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है मेहंदी का। होप आप सब लोगों ने भी मेहंदी लगवा ली होगी। बहुत अच्छा कलर आया था। पैरों पे तो मैंने कल ही मेहंदी लगवा ली थी, उसका भी बहुत अच्छा कलर आया है। बच गए हैं सुबह के 3 और मैंने खा ली है सरगी। सोचा मैं थोड़ी सी डांस करके और वीडियोस बना लूं, मैं आपसे शेयर कर बज गए हैं शाम के 3 और मैं चली हूँ फटाफट से तैयार होके और पूजा करने के लिए। 4 बजे था पूजा का टाइम और अब मैं पहुँच चुकी हूँ पार्क में। और अब यहाँ करेंगे हम करवा चौथ की पूजा। सारी लेडीज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी सारे। आगे मैं आपसे शेयर करूँगी पूरी पूजा की वीडियो। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंड हैप्पी करवा चौथ टू एवरी वन, टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। हमने शुरू कर दी है पूजा और कुछ लेडीज़ अभी वेट कर रही हैं जिनका नंबर नेक्स्ट राउंड में आएगा। मेरे लिए
Thank you.
अच्छी आ रही है। अच्छा कितनी अच्छी क्यों आ रही है बेटे सुबह से? ज्योति पिछे रुकी जाने ना ज्योति कली क्या करेगी दासी बड़ी हुई है हर वेले सिद्धी नाल अपना दुख खोलती रहती है। भगवान गणेश की कृपा के नाल हीरो दे अच्छे दिन फिर तो आ जाते हैं। गोली सी और गोली हुई, रानी सी तो रानी हुई। लास्ट में हम कर रहे हैं ना।
और ये मेरा बब्बू सो के उठ गया है। जब मैं गई थी तो ये सो रही थी, उठ गई है मेरी बच्ची। और इसको लग रहा है मम्मी कहाँ गई थी, कहाँ से आई है मम्मी, मम्मी इतना तैयार क्यों हुई हुई है। अब बच्चे हैं, इन्होंने तो नहीं देखा, थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी तो इनको समझ आएगी कि कौन सा फेस्टिवल होता है करवा चौथ और उसमें क्या होता है और मम्मी कैसे तैयार होती हैं करवा चौथ पे। और अब तन्वी सो रही थी। किसी ने पूछा कि करवा चौथ आ रहा है, सबसे रोमांटिक लाइन किसी लड़की से क्या कह सकते हैं। मैंने कहा, है तमन्ना तुम्हें हम अपना बुलाएं, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, है तमन्ना कि तुम्हें अपनी। इससे खूबसूरत कुछ हो सकता है तो। सो बच गए हैं रात के 9 और आ गया है चांद नज़र। अब मैं चली हूँ बालकनी में पूजा करने। सो सबसे पहले मैं चांद को अर्घ दे रही हूँ जो कि कच्ची लस्सी का होता है। चांद को अर्घ दूंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मीठे का भोग लगाऊंगी चांद को। लग तो रहा था कि 8:30 बजे तक चांद आ जाएगा, मगर 9 बजे आया था चांद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कैसे पूजा करी और आपका करवा चौथ कैसे रहा। और ये मेरी बेटी जो है मेरे पीछे पीछे बालकनी में आ गई है। सो अब हो गया है हमें चांद का दीदार और अब करेंगे अपने पति का दीदार। होप आप सब लोगों ने भी ऐसे ही अच्छे से पूजा करी होगी। सो अब पानी पीने का टाइम हो गया है। सो अब मैंने कर ली अच्छे से पूजा। अब मैं मम्मी को गिफ्ट्स देने जा रही हूँ, एक लिफाफा, मम्मी का सूट और साथ में जो थाली पूजा करी थी हमने जिसमें मट्टी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट होता है। सो आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग प्लीज़ शेयर करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।